तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर बजट सत्र से जुड़ी हुई है, जहां शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान 3 की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना, सब कुछ पूरा होने का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया, मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई। राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल सौम्या, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान भी किए हैं। वहीं अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कई उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या बड़ी बातें कही, आइए सुनते हैं। पहला संबोधन है आज की अमृत काल की शुरुआत में, ये भव्य भवन बना है, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नई भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियाँ जो आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है।
4,10,00,000 गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिला। इस पर लगभग 6,00,00,000 रुपया खर्च किए गए। लगभग 11,00,00,000 ग्रामीणों परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। इस पर 4,00,00,000 रुपया खर्च किया जा रहे हैं। हाल ही में 10,00,00,000 उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरी हुई है। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2,50,000 रुपया खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80,00,00,000 देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है।